यूपी की योगी सरकार की पुलिस ने इन दिनों बदमाशों की रातों की नींद उड़ा रखी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस का ऑपरेशन जारी है। ऐसे ही यूपी में अमरोहा में पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। लूट की योजना बना रहा इनामी बदमाश वाजिब उर्फ भूरा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश वाजिब पर लूट, रंगदारी और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस जब बदमाशों को पकड़ने पहुंची तो वहां से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर दिया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से तवांचा भी बरामद हुआ है। आप दो तस्वीरें देख सकते हैं, आरोपी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। एक तस्वीर में पुलिस जांच में जुटी हुई है और वहीं दूसरी तरफ आरोपी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये करीब 1.5 घंटे पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी। काली मोटरसाइकिल पर दो बदमाश हैं जो कि किसी लूट को अंजाम देने की फिराक में हैं और हाईवे पर ये हैं, रजबपुर से लेके और इधर नेशनल हाईवे की तरफ। इस पर पूरे नेशनल हाईवे पर चेकिंग कराई गई और जो लिंक्स रोड हैं उस पर चेकिंग कराई गई। यहाँ बुढ़नपुर तराहे के आसपास जहाँ इंस्पेक्टर डिडोली चेकिंग कर रहे थे अपनी टीम के साथ, वहां पर इस मोटरसाइकिल को, एक काली मोटरसाइकिल को रोका गया, जिसके ये मोटरसाइकिल आगे भागी मोड़ाइमा रोड पर और इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग भी की गई। इसे आगे जाकर घेरा गया तो रोड के किनारे पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी।